कितना कुछ किया हमने तुम्हारे लिए नकुल, उस घर के लिए, और बदले में हमें क्या मिला? सजा, इस सड़ी हुई जगह पर मरने के लिए छोड़ दिया हमें सबने। कितने पकवान बना बना कर खिलाए हमने सबको, और बदले में हमें क्या मिला? जेल का खाना। लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे नकुल। तुम्हारे सिवा पूरी फैमिली से अपनी तकलीफ और बेइज्जती को बदला लेंगे हम। ना नहीं याद दिला देंगे हम सबको, इतना रुलाएंगे हम सबको कि हमारे साथ जो ये बर्ताव कर रहे हैं ना सब लोग, उस पर पछतावा होगा और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तुम नकुल, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे नकुल। प्लान बिल्कुल रेडी है हमारा, बस उस पर एक्शन लेना है। सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे हम। सबसे पहले सयुति की। हमें पता है वहां भाभी हमारा वेट कर रही होगी। नहीं, पर इस हालत में उनके सामने नहीं जा सकते। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है रश्मि। भाभी के सामने नहीं जा सकते, सबसे मुंह छुपा के घूम रहे। ये जो हमने शराब पीना भी शुरू किया है ना, सिर्फ तुम्हारे वजह से। हमारे बर्बादी का कारण सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाय हैंडसम। कौन है और आपको क्या चाहिए? तुम मुझे नहीं जानते? कमाल है, इस शहर का हर वो शख्स जिसका कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से दिल टूटा है, वो मेरा नाम क्या पता भी जानता है। तुम मुझे नहीं जानते? अच्छा लगा सुनकर, और अजीब भी। ईगो हर्ट हो गया मेरा। आप जो भी है, I'm sorry, आपका ईगो हर्ट हुआ, बट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैं तो चली जाऊंगी, पर उससे होगा क्या? अकेलापन ही मर्ज है और अकेलापन ही दवा, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूं। हम दोनों दर्द के मारे। हाँ, दर्द की वजह अलग हो सकती है, पर दर्द का तकलीफ तो एक जैसा है। इसके बावजूद हम एक दूसरे का दर्द बांट नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि हम दोस्त नहीं है, कोई रिश्ता है ही नहीं हमारे बीच। पर हमारे बीच एक चीज जरूर कॉमन है, वो जरूर शेयर कर सकते हैं हम, वो है ये। वापस आए और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है।
समझ क्यों नहीं रहा, ये इमरजेंसी है। सेहरी, क्या हुआ, पीछे क्या छुपा रहा है, सब ठीक है ना, बताना क्या है। है कुछ ताना, प्लीज दिखा दे, तंग मत कर। अच्छा अच्छा दिखा रहे। हम हमारी कुकू के लिए कल नवरात्रि पूजा के लिए मैचिंग कपड़े लाए। मैचिंग। बहुत सुंदर है ये। कितने क्यूट आते हैं ना कपड़े बच्चों के। तू सिर्फ बच्चों के लिए लेके आया या कि माँ के लिए भी कुछ लेकर आया? ऑफ कोर्स लाए हैं, क्योंकि नवरात्रि का उत्सव सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ी है, कि माँ के लिए भी तो। घर की हर औरत के लिए कुछ ना कुछ लाया हूं, और तेरे लिए लाया हूं। कितनी प्यारी साड़ी है गाना, बहुत सुंदर है। पता है बच्चों के साथ हम पहली बार कल मंदिर जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ गाना। हाँ, माँ ने भी बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया है तो खुशी दुगनी हो चुकी है। अब देवी माता के आशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा। कोई इतना क्यूट कैसे लग सकता है? बहुत प्यारे लग रहे हो आप। पापा इतने प्यार से कपड़े लाए अपनी दोनों परियों के लिए, तो अच्छा तो लगना ही था। बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे, स्पेशली हमारी ना लग जाए अभी तो। आपकी सारी बलाएं हमें लग जाए और हमारी उम्र आपको लग जाए, हमेशा ऐसे ही खुश रहे। गुड जॉब। क्या यार, तू भी ना। हमेशा तू बिंदी मिसमैच कर लेती है, अब लग रहा है ना परफेक्ट। इन लोगों के जाने के तुरंत ही बाद हम अपना खेल खेल लेंगे, देर नहीं करेंगे। नकुल बेटा, तुम्हारे लिए पूजा के लिए ये कपड़े लेके आए हैं। नकुल किधर है? बिस्तर देख के तो लग रहा है कि रात भर नहीं आया। कहाँ चला गया ये लड़का? क्या हुआ, क्या कर रहे हो यहाँ सरोज बहू? वो नकुल को कुर्ता देने के लिए आए थे पूजा में पहनने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, कहाँ गया, काफी समय से नीचे भी देखा नहीं उसे। क्या कर रहा है लड़का, कुछ पता नहीं चल रहा। कब आता है, कब चला जाता है, आता है तो शराब पी के आता है, भी पता नहीं शराब पी के कहाँ चला गया होगा। अरे शुभ शुभ बोलो बहू, कृष्णा जी करे वो जहाँ भी हो ठीक हो। चल अब मंदिर जाने का समय हो रहा है, नीचे चल। लेकिन नकुल, अगर उसके लिए पूछा तो क्या कहेंगे? अरे बहाना बना के बात संभाल लेंगे ना। मौसी जी, देख बहू, आज का दिन ना बहुत अच्छा है, क्यों सबको चिंता में डाले, मंदिर से लौट के आएंगे ना, फिर देख लेंगे क्या करना है। चल दिंगुआ को तो बता दिए हैं कितना बजे आना है, वो तो समय से पहुंच जाएगा, पर ये घर वाला लोग सब निकल ही नहीं रहा है। धीरे धीरे तब से तैयार हो रहा है, कब निकलेगा सब? अभी तक तैयार नहीं हुई तुम चमन। जी हम नहीं आएंगे आपके साथ मंदिर, आप लोग फैमिली सब एक साथ जाइए ना, हम यहाँ रह के बच्चा लोग का अलमारी कपड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये सब आके भी हो जाएगा, तुम अभी चलो हमारे साथ ठीक है? दीदी हमको बाहर जाने में बहुत ज्यादा डर लगता है, वो सब गुंडा सब आ गया तो हमको बहुत डर लगता है। दीदी डरने की क्या बात है, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे। और आज देवी माँ का दिन है, उनसे आशीर्वाद लो कि हम सबको वो हिम्मत दें, साहस दें, है ना? दीदी देवी मैया तो हमेशा ही हमारे साथ है ना, उनका आशीर्वाद तो बना ही हुआ है, हम तो कभी भी जा सकते हैं ना मंदिर। नहीं, आज ही मंदिर चलना पड़ेगा, ठीक है? और ऐसे मना नहीं करते आशीर्वाद लेने से। चलो, काज तेल औरत है,
पीछे ही पड़ गई है हमरे। अरे नहीं ना जाना है हमका। इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है ऐसे मंदिर जाने में? अलमारियां साफ करने का तो बहाना है, प्लान तो कुछ और ही चल रहा होगा इसके दिमाग में। पर क्या? देखो इतना ज्यादा सोचो मत, मैं और कान्हा बच्चों को लेकर जा रहे हैं, और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ और पापा के साथ दूसरी कार में आ जाना, ठीक है? जाओ तैयार। पूरा प्लान चौपट कर दी कमबख्त औरत, क्या करें हम, कैसे मना करें जाने से? सच क्या है ये तो नहीं पता, पर जो मन में चल रहा है उसे तो इग्नोर नहीं कर सकती हूँ ना मैं। इस लड़की से बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही है, जो इस पे विश्वास नहीं हो पा रहा है मुझे। मैं घर में अकेले छोड़ने में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? चले अंदर चले। अब बस माँ पापा जो चलते हैं फिर। वो सीधा अंदर ही आ जाएंगे ना, चलते हैं। अब नहीं कहना, वो चमन बाहर भी उन्हीं के साथ आ रही है, और पूजा का सामान वो भी गाड़ी में ही है, तो साथ में ही चल लेंगे लेके। अरे ले, सब आ गए। आ गए, आ गए। चलो। अब तू जा, मैं पूजा का सामान निकाल लेती हूँ। माम, चमन बाहर कहाँ है? अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, ये थाली उठा लो और गाड़ी में रखवा दो, चलो आओ। माँ जी, हम ये थाली नहीं उठा सकते। क्यों? बोझ नहीं उठा सकती? फूल कुमारी है तू, चल उठा और लेके चल। बोझ तो हम कितना भी उठा ले माँ जी, पर हम ये नहीं ना उठा सकते। हम क्या किए जा रही है? जल्दी से थाली उठा और गाड़ी में रखवा दे। कान्हा और सयूरी वैसे भी पहुंच चुके हैं बच्चों के साथ, और कान्हा के पापा गाड़ी में ही है, चल रख दे, रख दे। माँ जी वो कहा है ना, हमारा आंटी आ गई है। अब अपने साथ साथ अपनी आंटी को भी लेके आई तुम? कहाँ है? हाँ कहाँ है? नहीं नहीं माँ जी, वो वाला आंटी नहीं, वो वाला आंटी। माँ जी वो जो हर महीने आती है ना, वो वाला आंटी आ गई है। चल छोड़, अंदर चलते हैं, सब लोग राह देख रहे होंगे। अजीब है, जब तक मैं वहां से निकल रही थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था। पक्का बहाना लगाया उसने, पर वो घर में अकेले रुक के करना क्या चाहती है? हे भगवान, जो भी मेरे मन में हो बिल्कुल गलत हो, उसके ना आने की वजह वही हो जो माँ ने मुझे बताई है। क्या हुआ सयूरी, रुक क्यों गई, अंदर क्यों नहीं आई? काना, चमन बाहर घर पे अकेली है, जबकि बार बार मैंने क्लियरली उससे बोला था कि वो माँ पापा के साथ मंदिर आए, लेकिन तब भी नहीं आई है वो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ठीक है ना, स्ट्रेस क्यों ले रही है? हो सकता है किसी काम के लिए रुक गई हो। नहीं काना, मेरे इंट्यूशन सही नहीं है उस लड़की को लेकर, हमें घर जाना चाहिए, चल। लेकिन और भी तो लोग हैं वहाँ पे, संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं, बाकी स्टाफ वो मुकुल के घर पे नवरात्रि की पूजा है, सब लोग वहाँ गए हैं। सब? हाँ, और वो लड़की अकेली है वहाँ पर। प्लीज काना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। राजमहल में आपका स्वागत है महारानी चमन बहार। हेलो,
गुड मॉर्निंग जनाब, सुबह हो गई है। अरे हेलो, उठिए। ये हम कहाँ सो गए थे? कह रहा था हम यही सो गए थे। आप भी कल रात यहीं सो गई थी? मतलब अब गई नहीं? नहीं। अरे इतनी खुशी तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, और वैसे भी उस नरक में तो मैं रोज रात काटती हूँ, और आज इस स्वर्ग में भी पहली बार रात काटी। बहुत दिनों बाद इज्जत के साथ रात गुजारी है, पहली बार। हाँ, पता नहीं कल कब आग लगी हमारी। कल रात शायद थोड़ी ज्यादा पी ली। तुमसे तो ज्यादा लगता है शायद मैंने पी ली थी। अरे नई नई शुरू की है क्या? मतलब तभी मैं सोचूं, इतनी जल्दी इतनी ज्यादा चढ़ गई थी तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हो जाता है कभी कभी। हाँ वैसे मैं भी सोच रही थी, क्योंकि जब होश में रहते हो तब तो एकदम अलग लगते हो, और नशे के बाद में एकदम अलग से हो जाते हो। मतलब कितनी बात करते हो तुम। बाप रे, खुद के बारे में इतना कौन बात करता है। तुमने तो बचपन से लेके अब तक की सारी कहानियां खोल दी। क्या क्या पता हमने अपने बारे में? टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं पता, बस नॉर्मल सी बातें थी। पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत दिनों बाद किसी से अपनी मन की बात कह रहे हो। मतलब बातें और गहरी हो, तुम उसकी पहले ही टल्ली होके सो गए थे। हाँ, हो जाता है कभी कभी। I'm sorry. सॉरी वॉरी बोलने जैसी कोई बात ही नहीं थी। मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब सच में बहुत दिनों बाद अपने काम और जिस्म के अलावा किसी ने कोई और बात की। तो बात और ड्रिंक्स दोनों के लिए थैंक यू। हो सकता है गाना मैं गलत सोच रही हूँ, पर जब तक ये शक दूर नहीं हो जाता मुझे ठीक नहीं लगेगा गाना। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यार ग्यारह की पहली पूजा है, वो भी साथ है, सब लोग मंदिर आए हैं, तो इस वक्त आप प्रॉमिस करती हूँ मैं गाना को नहीं बताऊंगी ना आप बताइएगा। प्लीज माइक लीजिए। कितना खुश लग रहा है काना इस बात से। कितने दिनों बाद ऐसा सुकून दिखाई दे रहा है उसके चेहरे पर। चाहे तुझे पता नहीं है काना कि माँ ने हमारे बच्चों को क्यों एक्सेप्ट किया है, ये बता के परेशान नहीं करूंगी। क्या सोच रही है? मैं यही सोच रही थी काना कि बच्चों की पहली पूजा है, नवरात्रि शुरू हो गई, तो हमें एंजॉय करना चाहिए, और चमन का हम घर जाके सोच लेंगे, है ना? चल ठीक है, अंदर चलते हैं, आ जा। हाँ वो नकुल नहीं आया, मुझे लगा था माँ पापा के साथ आ जाएगा। वो किधर है? नहीं, नहीं, माँ ने कहा कि वो किसी काम पे गया है, तो जो ही काम खत्म होगा डायरेक्टली यहीं आ जाएगा, तो फिक्र मत कर, सब आ जाएंगे। ठीक है चल। बेचारा चौधरी खानदान वालों ने सोचा भी ना होगा इतना भोला भाला चेहरा के पीछे तेज दिमाग छुपा हुआ है। चकमा दे दी हम सबको। पर हम है तो बहुत मासूम, तभी तो किसी को भी चमन की चमक दिखाई नहीं दी। सबको बक्स देकर हम पगलेट की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, पर अब वक्त आ गया है चौधरी खानदान, अब आएगा असली मजा।